पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके समलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं, और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के गणमान्य आध्यात्मिक मूर्तियों के निकट रहने का, उनके आशीर्वाद पाने का अवसर रहा है, और इसलिए मैं उस आध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीभांति जानता हूं, समझता हूं, अनुभव करता हूं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे, उनका जीवन कैसा होता है हम जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण किसी काम में मेरा संबंध आया हो, 24 घंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था। यानी कितने जागरूक थे, और अपनी विराट आध्यात्मिक यात्रा, और उसके बाद भी वो हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं।